हेलो फ्रेंड्स, फोर टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है। पहली थ्योरेटिकल, दूसरी अप्लाइड, बहुत आसान है याद करना। तीसरी होती है फिर एक्सप्लोरेटिव। एक्सप्लोरेटिव में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज़ को, पता करते हैं। कैसे करोगे, या तो फिर हिस्टोरिकल इंसाइट देखो उसकी, या फिर आप वो देखो क्या नाम है, केस स्टडी करो। दो ही मेथड हैं इसके, या दो ही अप्रोच हैं। तो कीवर्ड आप ध्यान रखना कि एक्सप्लोरेटिव में हिस्टोरिकल इंसाइट या फिर हमारे पास केस स्टडी का ऑप्शन है। और चौथी रिसर्च होती है कंक्लूसिव। ये काफ़ी, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं कंक्लूसिव में, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन में हमें करना क्या है, कंक्लूजन में हमें एक तो डिस्क्रिप्शन जो है वो देना है, ठीक है। क्या डिस्क्रिप्शन आया हमारे पास, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन हम कैसे देंगे, डिस्क्रिप्शन हम देंगे या हमारी जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होगी वो कैसी होगी, वो होगी डायग्नोस्टिक टाइप, इवेल्यूएशन टाइप, एक्शन रिसर्च टाइप, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में जो हम ये कर रहे हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम इवेल्यूएशन भी कर रहे हैं, इसमें हम एक्शन रिसर्च भी कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च में कोई ग्रुप नहीं होता, इंडिविजुअल लेवल पे होता है, एक व्यक्ति करता है और उसमें ग्रुपिंग नहीं होती, ये आप ध्यान रखना। एक्शन रिसर्च में कोई कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं होता है। तो एक्शन रिसर्च या एक्शन अप्रोच, इवेल्यूएशन करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में, जब हम डायग्नोस्टिक जो है वो स्टडी करेंगे किसी चीज़ की। तो अब हमने बताया ना आपको, आप कंफ्यूज मत हो, डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक स्टडी, इवेल्यूएशन, एक्शन रिसर्च, तीन ही है कीवर्ड, चौथा कीवर्ड नहीं है भैया। फिर कंक्लूजन में या तो हमने डिस्क्रिप्शन करना है, या फिर हमको क्या करना है जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो कंक्लूजन जो है करना है, वो एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे करना है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, कीवर्ड पता होना चाहिए बस इसमें। अब एक्सपेरिमेंट के तीन कीवर्ड हैं, ए माइनस ए, इसका मतलब एक ही ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हो, बिफोर एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस देख रहे हैं हम। ए माइनस बी का क्या मतलब है, एक ग्रुप आपने बनाया ए, एक बी, एक को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, एक को कंट्रोल ग्रुप बनाया, फिर उसमें डिफरेंस देखा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या सिग्निफिकेंस है। और एक है ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी बिफोर एक्सपेरिमेंट ए माइनस बी क्या है और आफ्टर एक्सपेरिमेंट ए माइनस बी कितना आया। ए माइनस बी मतलब समझे आप क्या है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, और उसमें जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट का क्या डिफरेंस आया, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो एक्शन रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस है, एक्शन रिसर्च में ग्रुपिंग नहीं होती, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च में क्या होता है, ग्रुपिंग होती है, एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप और एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये कीवर्ड्स हैं। तो कंक्लूसिव रिसर्च सबसे बड़ी होती है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है या फिर आपका जो है एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ स्टडी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।